श्री गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी दिल्ली की उप प्रधान प्रेरणा सिंह निगम पार्षद को नॉर्थ दिल्ली नगर निगम में कांग्रेस दल का नेता नियुक्त किए जाने के बाद संगठन के सभी सदस्यों कार्यकर्ताओं ने उनका अभिनंदन किया, जिसके लिए 2 जनवरी 2022 दोपहर 12:30 बजे गुरु रविदास भवन प्रभात रोड देवनगर करोल बाग नई दिल्ली में अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सभी सदस्यों ने प्रेरणा सिंह का फूल माला पहनाकर और फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया और सभी सदस्यों ने एक दूसरे को फूल माला पहनाकर स्वागत किया। प्रधान ब्रह्म प्रकाश बुलाकी ने सभी का धन्यवाद करते हुए कहा कि मैं कमेटी के सहयोगियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज के दौर में उसी को जिम्मेदारी दी जाती है जो पूरी ईमानदारी से जिम्मेदारी निभाता है। प्रेरणा सिंह ने कमेटी में उप प्रधान के पद पर रहते हुए बहुत अच्छे कार्य किए हैं हमारी कमेटी के लिए और हमारे समाज के लिए भी। मैं आशा करता हूँ कि प्रेरणा सिंह ऐसे ही हमारे संगठन में उप प्रधान के पद पर रहकर अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाएगी और कांग्रेस पार्टी ने जो इन पर भरोसा दिखाया है उस भरोसे का भी यह सम्मान रखेंगी। वहीं प्रेरणा सिंह ने सभी का धन्यवाद करते हुए कहा कि मुझे खुशी हो रही है कि मुझे आज एक और नई जिम्मेदारी मिली है जिसको मैं पूरी तरह निभाऊंगी, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं अपनी पुरानी जिम्मेदारियों को छोड़ दूंगी। मैं हमेशा अपने समाज और संगठन के लिए कार्य करती रहूंगी और कांग्रेस पार्टी में रहकर लोगों की भलाई के कार्य करने का मुझे और ज्यादा कार्य मिलेंगे। साथ ही आपको बता दें कि इस बैठक में श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी दिल्ली के पूर्व प्रधान मनोज कुमार के आकस्मिक निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। और क्या कुछ कहा मीडिया के सामने, आइए सुनाते हैं। कमेटी की आभारी हूं और ये कमेटी का बड़प्पन है कि उन्होंने मुझे यहाँ पर उप प्रधान का पद दिया हुआ है। और ये पद जो भी मुझे मिला है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, इसमें बहुत बड़ा जो योगदान है वो हमारे समाज का रहा है और समाज की इस कमेटी का रहा है, गुरुजी का आशीर्वाद का रहा है। और मेरी कोशिश भी ये रहेगी वहाँ पर कि समाज के हितों को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए हम लोग वहाँ पे काम करें और ख़ास तौर से दलित समाज के। मैंने सबसे पहला काम जो वहाँ पे पद ग्रहण करने के बाद किया वो यही किया कि बाबा साहब की प्रतिमा जो हमारी कमेटी के माध्यम से वहाँ पर लगी है उसके ऊपर छतरी लगाने का जो कार्य है वो किया जाए। उसका टेंडर भी हो गया है और बहुत जल्दी वहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति के ऊपर भी वैसी ही छतरी लगाई जाएगी जैसे कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के ऊपर लगी है। और मेरी इस पद पर बने रहने के यही कोशिश रहेगी कि समाज के हितों की आवाज़ उठाई जाए और दलित समाज के जो हित हैं उनको कहीं भी नज़रअंदाज ना होने दिया जाए। मैं वो जो डॉक्टर सावित्री बाई फूले हैं हम सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं, ख़ास तौर से हम जैसी दलित महिलाओं के लिए। सिर्फ दलित समाज में नहीं, मुझे पूरे देश में कोई भी समाज ऐसा नहीं है जहाँ पर महिलाओं को उनके अधिकार दिए जाते थे, मगर सावित्री बाई जी की वजह से हम लोगों को उचित सम्मान मिला, हमारे अंदर हिम्मत आई। और जब हम उनके बारे में पढ़ते हैं, उनके कार्यों को समझते हैं, तो हमारे अंदर और ऊर्जा आती है कि संघर्ष का जो फल है वो हमेशा से मीठा रहता है और ये उनके जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है। कि ये एक सामाजिक संस्था है तो मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन क्योंकि आपने ओमिक्रॉन की बात की और उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री का जिक्र आना बहुत लाजमी सा है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वो दिल्ली की चिंता ना करके पूरे देश में चुनाव जीतने का प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली का जो रेवेन्यू है वो पंजाब में जाके खर्च कर रहे हैं, गोवा में जाके खर्च कर रहे हैं, जबकि दिल्ली में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पूरे तरीके से जर्जर हो चुकी है। दिल्ली में ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए, और पहले भी हमने देखा कोविड से लड़ने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, उससे भी उन्होंने कोई सीख नहीं ली। और अभी जिस तरीके से तेज़ी से ओमिक्रॉन वायरस फैल रहा है और वो कम्युनिटी स्प्रेड उसका एक तरीके से शुरू हो चुका है, केजरीवाल जी और उनके मंत्रियों को इस बात की कोई चिंता नहीं लग रही है। सिर्फ लॉकडाउन लगा लेने से या सिर्फ बसों में और मेट्रो में 50% कैपेसिटी से चला देने से समस्या का समाधान नहीं होता। हमारी जो माताएं बहनें हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो युवा हैं जो काम पर जाते हैं, उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, जिसकी वजह से अभी कुछ ही दिनों पहले हंगामा भी हुआ, लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो उन्होंने जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें कोई सुधार नहीं लाया और उसके बाद अब 50% कैपेसिटी देने से लोगों की परेशानियाँ कम नहीं हुई हैं बल्कि उन्होंने बढ़ा दी हैं। एक प्लान होना चाहिए था उनके पास, एक एक्शन प्लान होना चाहिए था, उन्हें एक प्रॉपर तरीके से एक रोड मैप बनाना चाहिए था कि वो इस महामारी से किस तरीके से निपटेंगे। लेकिन वो तो चंडीगढ़ में रैली कर रहे हैं, वो भी वहाँ पे कोरोना जो गाइडलाइंस हैं उनकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं और दिल्ली वालों को उन्होंने पूरे तरीके से बारूद के ढेर पर रखकर छोड़ दिया है। तो आप क्या मांग करती हैं, क्या होना चाहिए? सबसे पहले वो स्वास्थ्य व्यवस्था पर चिंता करें। यहाँ पर जो है डॉक्टर्स हड़ताल पर गए हुए थे, वापस आए हैं, उनकी चिंता करें। दिल्ली में जो है ऑक्सीजन की अगर ज़रूरत पड़ी तो उसकी कमी किस तरीके से पूरी होगी, जो बेड्स हैं उसको बढ़ाएँ, वेंटिलेटर्स का जो है उनकी व्यवस्था करें और स्वास्थ्य व्यवस्था को चाहे डॉक्टर्स ब्रजेश जी, प्रेरणा सिंह जी हमारी श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी की उप प्रधान है
और अभी नहीं, पिछले 4 साल से भी उपप्रधान रही हैं। हमारी कमेटी की आज जो हमारी गुरु रविदास जी की 645वीं पावन जयंती 16 फरवरी को मनाई जाएगी, उसकी तैयारियों के संबंध में आज हमारी श्री गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी की बैठक बुलाई गई थी। और उस बैठक के पश्चात हमारी कमेटी ने फैसला किया था कि जो हमारी कमेटी की उपाध्यक्षा हैं श्रीमती प्रेरणा सिंह जी, उनको दिल्ली नगर निगम में कांग्रेस दल का जो सदन का नेता बनाया गया था। हम सबसे पहले तो जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस का, हम उसका धन्यवाद करते हैं कि हमारे समाज की एक होनहार बिटिया को उन्होंने जो एक सम्मान दिया, सदन का नेता बनाया, उसके लिए मैं समस्त कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ। और जो हमने यहाँ इनका अभिनंदन किया, ये हमारा अभिनंदन हमारा कर्तव्य था। जो हमारी कमेटी की उपप्रधान इतने सदन के अंदर एक दल की नेता बनी हैं, तो इसलिए हमारा आज इनको सम्मानित करने का कार्यक्रम था कि गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी की उपप्रधान जो प्रेरणा सिंह जी सदन की नेता बनी हैं, तो उनका हम अपने ये गुरु रविदास भवन में उनका सम्मान करें, इसलिए आज ये इनका सम्मान कार्यक्रम रखा गया था। इस संबंध में मैं प्रेरणा सिंह जी साथ खड़ी हैं मेरे, मैं इनसे यही निवेदन करूंगा कि आप सदन के अंदर जो वंचित वर्ग है, दलित वर्ग है और जो गरीब हैं, चाहे किसी भी जाति समुदाय से है, और उनकी जो आप सदन में उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए उनकी बातों को रखें, और जो दलितों की समस्या हैं उनको भी रखें, और साथ साथ जो कॉरपोरेशन के कर्मचारी हैं उसमें हमारे गरीब तबके ही लोग कर्मचारी हैं, उनको जैसे जानकारी मिलती है कि तनख्वाह नहीं मिलती 4-4, 6 महीने, तो प्रेरणा सिंह जी सदन में उनकी आवाज़ को भी उठाएं कि उनको प्रत्येक माह जो है टाइम पर तनख्वाह मिले, ताकि वो अपने बच्चों की पढ़ाई, अपने बच्चों का पालन पोषण ढंग से कर सकें।